ये षड गोस्वामी के बाद कई सिद्ध पुरुष हुए हैं वृंदावन में, जिन लोगों ने भगवान का दर्शन भी किया है उनको सिद्ध पुरुष माना गया है। तो ऐसे लोग गुप्त रूप में है, सभी के सामने नहीं आते, क्या पता नहीं चलता है। ऐसे सिद्ध पुरुष अभी भी है वृंदावन में। एक सिद्ध महात्मा थे जो नंदगांव में रहते थे, तो नंदगांव में जब रहते थे अपनी कुटिया में एक कुत्ता आता था प्रतिदिन उनके पास, तो उसको जो भी मधुर करके लाते थे रोटी तो कुत्ते को देते थे खाने के लिए। तो उनका कुछ काम पड़ा तो वो वृंदावन आ गए थे दो चार दिन के लिए। जब लौट करके गए नंदगांव अपनी कुटिया में, तो कुत्ता प्रतिदिन आता था, तो उस दिन भी आया। आकर उस साधु से बोलता है कि बाबा आप कहाँ गए थे तीन चार दिन से, हमने खाया नहीं है तीन चार दिन से, हम रोज आते थे आपको नहीं देखते थे इसलिए हम भूखे। तो ये साधु बाबा आश्चर्यचकित हो गए कि कुत्ता बात कर रहा है मनुष्य जैसा, तो आश्चर्यचकित हो गए। आश्चर्यचकित होकर उन्होंने पूछा कि आप कौन है, ये कुत्ते रूप में आप हैं, कौन है वस्तु। तो उन्होंने बताया कि पिछले जन्म में वृंदावन में हम एक मठ के महंत थे और इस जन्म में हमें कुत्ते का जन्म मिला है, कुछ पाप कर्म किया होगा महंत लोग पता नहीं, तो ये कुत्ते का जन्म मिला है। तो साधु ने पूछा ठीक है आप तो, आपको तो पूर्व जन्म के बाद स्मरण है और आप यहाँ जब भ्रमण करते हैं तो आपने भगवान कृष्ण को देखा है या गोचारण करते हैं वृंदावन में। तो उन्होंने कहा हाँ हम तो देखते हैं, भगवान कृष्ण का दर्शन करते हैं। तो साधु ने कहा कि आप मुझे थोड़ा दिखा सकते हैं भगवान कृष्ण, हम थोड़ा उनका दर्शन करना चाहते हैं। कुत्ते ने कहा कि आप दिखा सकते हैं। तो साधु ने कहा कि कैसे हम दर्शन करेंगे उनका। तो उन्होंने कहा कि आज से तीसरे दिन मतलब परसों संध्या के समय भगवान कृष्ण इसी रास्ते पर आएंगे, ग्वाल बालों के साथ और गौओं के साथ लौटेंगे गोचारण से, आप उस समय उनका दर्शन कर सकते हैं। तो साधु ने पूछा कि हम कैसे पहचानेंगे कौन कृष्ण है, क्योंकि बहुत सारे ग्वाल बाल होंगे उनके साथ, हमें कैसे पता चलेगा कौन कृष्ण है। तो कुत्ते ने कहा कि पहले सब गौएं आएंगे आगे आगे, उसके पीछे पीछे सब ग्वाल बाल आएंगे और ग्वाल बालों के पीछे लास्ट में सबसे पीछे जो बालक आता होगा वो एक कृष्ण। तो साधु ने कहा अच्छा ठीक है। तो उसी दिन संध्या के समय वो बैठा रहा उसी रास्ते पर जिस रास्ते में कृष्ण आने वाले थे। तो उन्होंने देखा कि संध्या के समय पहले गौएं आती रही, उनके पीछे पीछे बाल बाल आते रहे, और लास्ट में जो गोपाल बालक आ रहा था इन्होंने समझ लिया कि यही कृष्ण है, तुरंत जाकर उनके चरण को पकड़ लिया और जोर से पकड़ा। तो उस बालक ने कहा कि ये बाबा तुम क्या कर रहे हो, तुम बाबा लोग हैं और मैं बाल बाल हूँ, मेरा चरण तुम क्यों पकड़ लो। तो ये वो बालक कह रहा है कि मेरा चरण छोड़ो छोड़ो सर, तो बाबा छोड़ा नहीं। तो उस बालक ने कहा कि अरे बाबा तुम क्या कर रहे हो, हमारे सब बाल बाल चले गए, गया चली गई, तुम मेरा चरण क्यों पकड़ रखा, छोड़ दो, फिर भी वो नहीं चल रहा था। तो उस बालक ने अपना पैर छुड़ाने के लिए कोशिश भी की कि बाबा पकड़े लो। तो उन्होंने बालक ने कहा कि देखो
तुम ऐसा करना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, हम गए आगे चली जा रही है, वो कहाँ चली जाएगी, गल वाल सब निकल गए हैं, हमें जल्दी जाना है, जल्दी छोड़ दो हमें। तो बाबा नहीं छोड़ रहे। तो बाबा ने कहा कि जब तक आप दर्शन नहीं देंगे हम आपको नहीं छोड़ेंगे। बालक ने देखा कि ये छोड़ने वाला बाबा नहीं है, फिर वो अपने रूप में आ गए, अपना दर्शन दिया। तो साधु ने जब देखा कृष्ण को तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं चलेगा, आप अकेले क्यों आए, राधा रानी को क्यों साथ में नहीं लाए, राधा रानी को भी लाइए। तो फिर राधा रानी वहां प्रकट हो गई, उन्होंने राधा कृष्ण का दर्शन किया। तो बाबा राधा कृष्ण का दर्शन करके प्रेम विहल हो गए, मूर्छित होकर गिर पड़े। तब भगवान कृष्ण और राधा रानी अंतर जाना। तो उसी दिन से बाबा को सिद्ध बाबा बोलते हैं, वो कई दिन पहले हुए। तो उस प्रकार कितने सिद्ध महात्मा होंगे जो